अरे यार आज सिंचन और चूप ने सुबह सुबह इतना ज्यादा शोर क्यों मचा के रखा है। कसम से यार नींद भी अच्छे से नहीं करने दी इन दोनों ने मुझे। गाइस मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अबे बाप रे ये क्या हो रहा है सामने। अच्छा तो यार इस चीज का शोर था। गाइस मैंने तो देख लिया, आप लोग भी देख लो कि ये सामने कर क्या रहे हैं। अरे सिंचन चोप राजू और जग्गू ये क्या चल रहा है। फ्रैंकलिन भैया सिंचन और राजू का चैलेंज चल रहा है। इन दोनों का चैलेंज है कि सबसे देर तक कौन डांस करेगा, जो सबसे पहले तक जाएगा वो हार जाएगा। मैं तो सिंचन के साथ हूँ और जग्गू राजू के साथ। जीतेगा तो राजू ही, क्योंकि राजू ही सबसे अच्छा और देर तक डांस कर रहा है। गाइस मैं क्या बताऊँ यार, इन दोनों ने ना ट्रॉफी भी अपने पास रखी हुई है और रात को जब सोए तब भी ट्रॉफी इनके पास ही थी। गाइस मैंने आप लोगों को कहा था ना कि इन दोनों को काली नाम मिलने वाला है। ये रहा सिंचन का इनाम और ये चोप का। फ्रैंकलिन भैया हमने तो इनाम हासिल कर लिया स्कूल से, काफी ज्यादा मजा आ रहा आज तो। मेरा डांस सबसे ज्यादा अच्छा है राजू तेरे से भी। अले सिंचन तेरे से अच्छा तो मैं दांत कर लाऊ। तो गाइस आप लोग की कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे अच्छा कौन डांस कर रहा है, राजू या फिर मैं। अले सिंचन मैं तो थकूंगा नहीं, तू थक जाएगा। अरे तुम लोगों की वजह से ना लगता है आज मेरी बेइज्जती भी होने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना गाइस इन्होंने ऊंचे ऊंचे गाने जो लगाए पूरे मोहल्ले वाले जाग चुके होंगे। अच्छा सिंचन और चोप और राजू और जग्गू, तुम लोगों से मैंने वादा किया था कि तुम लोगों के लिए मैं कोई सरप्राइज रखूंगा। वैसे सिंचन और चोप तुम दोनों ने तो ट्रॉफी हासिल कर ही ली है, अब मुझे लगता है तुम लोगों को सरप्राइज दे ही देना चाहिए। तो तुम लोग यही पर रुको, बस मैं थोड़ी देर में होके आया। मुझे लगता है अब सिंचन और चोप को इन दोनों की फेवरेट चीज ला के देनी ही पड़ेगी। गाइस इन लोगों को नई साइकिल लेकर दी थी, वो भी इन लोगों ने तोड़ दी थी, लेकिन वो मैंने रिपेयरिंग के लिए दी हुई है। अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा और वो दोनों साइकिल वापस लेकर आनी पड़ेगी। यार सुबह सुबह क्या ही मस्त नींद करने वाला था। हाँ सिंचन और चोप को भी स्कूल से छुट्टी थी, मैंने सोचा था कि आज सही से नींद पूरी करूंगा, लेकिन इन लोगों ने सुबह सुबह ऊंचे ऊंचे गाने लगा कर मुझे नींद से ही जगा दिया। चलो यार बाकी बातें बाद में, अब मुझे जल्दी से बाइक को भगाना पड़ेगा और जल्दी से हम लोग जाने वाले हैं रिपेयरिंग शॉप पर। मुझे लगता है सिंचन और चोप ना अपनी बाइक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। एक मिनट बाइक को रोकना पड़ेगा, ये सामने क्या हो रहा है यार। लॉस सैंटोस की सिटी में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही है दिन ब दिन। आज मुझे फिर से ऐसे लग रहा है ना कोई सूट बिक रहा है इस साइड पर। तो मैंने अपनी बाइक को तो रोक लिया है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर ये सूट बिक रहा हुआ तो हम लोग इसके सारे सूट बाय कर लेंगे। गाइस मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि किसका सूट बिक रहा है। ओके यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के, अभी मेरे डॉक्टर स्ट्रेंज के तो सूट के कलेक्शन जमा ही नहीं किए। तो गाइस ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि हम लोग ना डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे सूट बाय कर लेंगे। तो मुझे पूछना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज का सूट क्यों बिक रहा है और कितने का बिक रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये सूट $1 में बिक रहा है, अगर तुम बाय करना चाहती हो तो $1 दो और ये सूट बाय कर लो, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज के ये सूट बाय करने के बाद तुम डॉक्टर स्ट्रेंज के बाकी सूट भी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑनलाइन सूट स्टोर से बाय कर सकते हो। ओके यानी कि ये सूट मैं $1 में परचेज कर सकता हूँ। ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छी है, तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए गाइस, हमें जल्दी से ये सूट बाय कर लेना चाहिए। लेकिन एक मिनट शिट यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो सिंचन और चोप के लिए सरप्राइज लेने निकला था, मैं तो उनकी रिपेयर हुई हुई साइकिल को लेने के लिए आया था। तो गाइस मुझे लगता है ये बाइक का ही लेना चाहिए सूट। तो ठीक है ये लो $1, आज से ये सूट मेरा हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से ये सूट तुम्हारा हुआ और इस सूट को लेने के बाद जितनी भी मुसीबतें हैं वो सब तुम्हारी हुई। अरे यार मुझे कुछ समझ नहीं आया कौन सी मुसीबतों की बात कर रहा है। अरे यार गाइस छोड़ो आप लोगों को, क्या हम लोगों ने तो ये सूट बाय कर लिया है, तो जल्दी से मैं इसे पहन लेता हूँ। तो आप लोग भी रेडी हो मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। गाइस हमने तो ये सूट पहन लिया है, अब आने वाला है काफी ज्यादा मजा, क्योंकि हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के बाकी सूट भी बाय करेंगे। फिर से गाइस वही सवाल मेरे माइंड में घूम रहा है कि हम लोग बाकी सूट कैसे बाय करेंगे, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के बाकी सूट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो। मुझे लगता है जिससे मैंने सूट बाय किया ना मीडिया वाले उसे छोड़ने नहीं वाले अब। गाइस मुझे क्या, मुझे तो जल्दी से जाना पड़ेगा और क्या ही खतरनाक तरीके से मैं अपनी बाइक को भगा रहा हूँ। यार ये सूट पहनने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे जिस्म में बहुत सारी पावर्स आ चुकी है, ऐसे लगता है हम लोग गिरे बिना हम लोगों की हड्डी पसली इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। ओके यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे अपनी बाइक को रोकना पड़ेगा। मेरे सामने तो मिलिट्री कर्नल है, पर ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ा है, मुझे इनको देखना पड़ेगा और मुझे मिलिट्री कर्नल को भी बचाना पड़ेगा। जल्दी करो जल्दी, इसे गाड़ी के अंदर डालो। मिलिट्री कर्नल को बोला था ना हमसे हाथ मिला ले, अब ये बचेगा नहीं। कर्नल ने शायद खुद को पावरफुल समझ लिया था, अब इसे पता चलेगी केबल की पावर। जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो, अब हम लोग मिलिट्री कर्नल के
बेटे से इसके मुंह मांगे पैसे मांगेंगे। ओके तो ये सब कुछ चल रहा है, मुझे जल्दी से ना इस गाड़ी का पीछा करना पड़ेगा। गाइस ये गाड़ी तो ये जा रही है, मुझे इसके पीछे रहना पड़ेगा। इस केबल के हाथों से मुझे मिलिट्री कर्नल को बचाना पड़ेगा। अब हमें पीछे ही रहना पड़ेगा, ये ना वो केबल मुझे देख ले। डॉक्टर स्टैंस के इस सूट के अंदर पावर्स भी नहीं है तो हम लोग बचने भी नहीं वाले। ओके गाइस हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं इसके पीछे। एक मिनट ये इस साइड पर जा रहा है। ओके 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 ये तो घर के अंदर घुस गया। मुझे लगता है ना मिलिट्री कर्नल को यहीं पर किडनैप करके रखने वाले हैं ये लोग, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गाइस अब मुझे मिलिट्री कर्नल को बचाना पड़ेगा, यही मौका है। मौका देखते ही मैं मिलिट्री कर्नल को यहाँ से ले जाऊंगा। ओके मैं तो छुप चुका हूँ और मुझे मौका देखना पड़ेगा। गाइस ये सामने से ही जा रहा है केबल, इसे पता नहीं है कि मिलिट्री कर्नल को अब मैं यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। ओके गाइस केबल तो वो सामने से जा रहा है और यहाँ से जा चुका है, यही मौका है। जल्दी से मैंने मारी इसके घर के अंदर एंट्री। एक बात मुझे नोट करनी पड़ेगी, कहीं पर मिलिट्री कर्नल ही ना हो इस गाड़ी के अंदर। ओके थैंक गॉड ये तो इसी गाड़ी के अंदर लेटा हुआ है अभी तक। मुझे लगता है इसकी सांसें चल रही है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। जल्दी से इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं। फाइनली हमने लगता है मिलिट्री कर्नल को बचा लिया है। अरे क्या ही खतरनाक तरीके से मैंने इस गाड़ी को घुमाया है। जल्दी से अब इस गाड़ी को लेकर निकलना पड़ेगा। केबल अब देखता ही रह जाएगा कि मिलिट्री कर्नल गया कहाँ पर। फाइनली गाइस हम लोग मिलिट्री कर्नल के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अरे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है, फिर भी मिलिट्री कर्नल को उन लोगों ने उठाया कैसे। अब मुझे जल्दी से मिलिट्री कर्नल को बाहर निकालना पड़ेगा। थैंक गॉड मिलिट्री कर्नल सेफ है अब। बहुत अच्छे, मैंने देखा तुमने मेरी जान कैसे बचाई है, इसका इनाम तो तुम्हें जरूर दिया जाएगा। अब प्लीज इनकार मत करना, तुम्हें मेरी जान बचाने के मैं तुम्हें पूरे $1,00,000 देता हूँ। मुझे पता है ये पैसे थोड़े से कम है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, ये छोटा सा इनाम मेरी तरफ से रख लो, मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगा। अरे मिलिट्री कर्नल साहब इसकी क्या जरूरत थी। गाइस इन्हें क्या पता मुझे पैसों की काफी सख्त जरूरत थी, चलो इन्होंने दे दिए तो मैं रख लेता हूँ। अब मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे किसी खुपचे में घुसना पड़ेगा, यानी कि किसी सेफ एंड सिक्योर जगह पर। जल्दी से मैं भाग कर चला जाता हूँ, मुझे लगता है इस साइड पर कहीं ना कहीं होगी सेफ जगह। ओके मुझे नजर आ चुकी है, ये रही सेफ एंड सिक्योर जगह। मुझे जल्दी से डॉक्टर स्टैंस का ऑनलाइन सूट स्टोर ओपन कर लेना चाहिए। ये रहा $1,00,000 का सूट, ये मैंने किया क्लिक एंड बाय। गाइस आपने ये सूट बाय कर लिया है। ओके अब मेरे पास आ चुका है डॉक्टर स्टैंस का $1,00,000 का सूट। तो मुझे लगता है इस सूट के अंदर कोई ना कोई पावर्स तो होंगी, मुझे चेक कर लेना चाहिए। अब मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, वाकई में मैं सोच रहा था कि डॉक्टर स्टैंस के सूट कब मिलेंगे मुझे। और फाइनली हाँ लोगों ने डॉक्टर स्टैंस के सूटों का कलेक्शन भी जमा करना शुरू कर दिया है। मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, वाकई में हम लोग इसके अंदर काफी ज्यादा तेजी से भाग पा रहे हैं। अरे भागते भागते तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ, मुझे इस तरफ गुंडे नजर आ रहे हैं, क्यों ना इन पर अपनी पावर्स को ट्राई किया जाए। गाइस यही मौका है, अच्छा मौका है, मुझे इन पर अपनी पावर्स को ट्राई करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि $1,00,000 के सूट के अंदर कितनी ज्यादा पावर्स है। तो आप लोग भी रेडी हो मेरे साथ, ये आ चुके हैं गुंडे मेरे सामने, अब इन लोगों को मैं अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। अरे क्या ही खतरनाक पंच मारे मैंने, अरे क्या ही कमाल की पावर्स है इस सूट के अंदर। ये लोग मुझे मारने के लिए आए थे और इन्हें लग रहा होगा कि ये आसानी से मुझे मार डालेंगे। इन लोगों की बुलेट का अभी मेरे पर कोई असर नहीं हो रहा। और एक और बात काफी ज्यादा अच्छी है कि इन्हें मारने के मुझे ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं, किसी को मारने के $1,000 और किसी को मारने के ना $2,000। चलो गाइस अब देखता हूँ, ये रहा एक इस दरख्त के पीछे छुप रहा था, अब मैं इसे सबक। अरे भाई साहब क्या ही किक लगी इसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी खतरनाक किक भी है मेरे पास। अब मजा आ चुका है मुझे काफी ज्यादा। ये रह चुके हैं 4-5 गुंडे, अब इन्हें भी सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। अरे कितने ही ज्यादा बेवकूफ है ये लोग, अभी भी मुझ पर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो गाइस मुझे अंदर जाना पड़ेगा, इस तरफ भी कुछ गुंडे हैं, मुझे लगता है ये लोग मुझसे डर चुके हैं तभी तो बाहर नहीं आ रहे ये लोग। इन्हें भी अंदर जाकर मेरे मार दिया है और एक ये फाइनल रह चुका है। अरे वाह क्या ही खतरनाक तरीके से मारा मैंने इसे, सारे के सारे गुंडे खत्म हो चुके हैं। अरे अब मजा आया, अब मुझे समझ आई कि क्या ही कमाल की पावर्स है इस सूट के अंदर। मुझे भागना पड़ेगा, भाग 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 डॉक्टर स्टैंस। एक मिनट, भागते भागते तो मैं साइड पर आ चुका हूँ और ये मैं सामने क्या देख रहा हूँ, ये पुलिस वाले किसके पीछे गाड़ी भगा रहे हैं अपनी। मुझे लगता है इस गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तभी तो पुलिस वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके पास क्या ही खतरनाक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, पुलिस वालों की बुलेट का इस पर कोई असर नहीं होने वाला और पुलिस वाले इसे पकड़ नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें अपनी जान पे
आ रही है तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, खुद को सरेंडर कर दो। इतनी आसानी से स्टील भी तुम लोगों को सरेंडर नहीं करने वाला, तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, तुम लोगों की सारी गाड़ियों को मैं तबाह कर दूंगा। मुझे जाना पड़ेगा इन पुलिस वालों के पास, मुझे लगता है मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, इनसे पूछना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। इतना तो मुझे पता चल चुका है कि ये स्टील वी को पकड़ने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो एक सुपर विलन है, वो हम इंसान के काबू में नहीं आएगा, उसे मारने के लिए एक सुपर हीरो चाहिए और सुपर हीरो जैसी पावर्स तो मेरे पास ऑलरेडी है, तुम लोगों की मदद मैं कर सकता हूँ और स्टील वी को मैं पकड़ के लाऊंगा। ओके, अगर तुम स्टील वी को पकड़ कर ला सकते हो तो तुम्हें उसके पूरे $5,00,000 का इनाम दिया जाएगा। स्टील वी अंडर माफिया का वांटेड क्रिमिनल है, कई सालों से पुलिस इसे पकड़ने की कई ज्यादा कोशिशें कर चुकी है लेकिन हर दफा ये हमसे भाग जाता है। ओके, सब पुलिस वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर स्टैंस किस लिए है? गाइस, मैं टाइम पोर्टल भी खोल सकता हूँ लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम लोगों की गाड़ी चाहिए होगी, उसके बाद मैं स्टील वी को ये चुटकियों में पकड़ के लाऊंगा। तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, ये रही पुलिस वालों की गाड़ी, जल्दी से इसमें बैठ जाते हैं। स्टील वी तो इस साइड से निकला है, मुझे लगता है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे जल्दी से इस गाड़ी को भगाना पड़ेगा। अरे क्या ही खतरनाक तरीके से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी को तेजी से भगाना पड़ेगा कहीं पर स्टील वी निकल ही ना जाए, लेकिन इतनी आसानी से मैं उसे निकलने नहीं दूंगा। अब मुझे लगता है ये $5,00,000 का इनाम मैं हासिल करके ही रहूंगा। ओके, स्टील वी की गाड़ी तो ये सामने से जा रही है, मुझे जल्दी से इसका पीछा करना पड़ेगा, इसकी गाड़ी को रोकना पड़ेगा। ओके, ये सामने रुक चुकी है, स्टील वी रुक जा। अब मैं इसके सामने अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता हूँ, इस स्टील वी को तो मैं अब छोड़ने नहीं वाला। डॉक्टर स्टैंस, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें मेरे साथ दुश्मनी काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी, पुलिस वाले तो मेरा पीछा कर रहे थे लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाए। डॉक्टर स्टैंस, तुम्हें भी मेरे हाथों से मरना लगता है पसंद है तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने मेरे रास्ता रोक कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके गाइस, ये स्टील वी तो काफी खतरनाक है, ये मुझे पीटने की कोशिश कर रहा है लेकिन मेरे पास भी पावर्स है और मेरे पंच की बरसात इस पर शुरू कर दी है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैंने क्या ही खतरनाक तरीके से इसे मार डाला। ओके, अरे ये क्या पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है, अरे अब मैं इसे सबक सिखा नहीं वाला हूँ, डॉक्टर स्टैंस की पावर्स का इसे अब पता चलेगा, मुझे लगता है अब ये मेरे हाथों से मरने ही वाला है, क्यों ही खतरनाक तरीके से फेंका मैंने इसे। अरे इतनी आसानी से मैं तुझे मौका नहीं देने वाला स्टील वी। ओके, इसे मारने के बाद लगता है $5,00,000 का मैं इनाम लेकर ही जाऊंगा, उठ कर बताना। अरे उठना। ओके गाइस, ये मारा जा चुका है, अरे ये तो आसानी से मर चुका है, अब पुलिस वाले इसकी लोकेशन ट्रेस करके इसे पकड़ लेंगे। और फाइनली ये क्या, पुलिस वालों ने तो मेरे अकाउंट में $5,00,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। अरे मुझे लग रहा है वो मुझे देख रहे थे, चलो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब हमारे पास आ चुके हैं पूरे $5,00,000, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि डॉक्टर स्टैंस का नेक्स्ट सूट मुझे देखना है कि वो कैसा होगा और हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि कितना ही ज्यादा मजा आने वाला है उस सूट के अंदर। तो जल्दी से जाना पड़ेगा किसी सेफ एंड सिक्योर जगह पर, तो मुझे लगता है ना ये बिल्डिंग काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, मैं नीचे इसके बेसमेंट के अंदर पहुंच चुका हूँ। तो जल्दी से डॉक्टर स्टैंस का ऑनलाइन सूट स्टोर ओपन कर लेते हैं, ये रहा $5,00,000 का सूट, ये मैंने किया क्लिक एंड बाय। गाइस, हमने ये सूट भी बाय कर लिया है। ओपी गाइस, क्या ही खतरनाक सूट है ये, इस सूट के हेड से क्या ही कमाल का धुआं निकल रहा है, मुझे भागना पड़ेगा और इस सूट के अंदर मैं तो काफी तेजी से भाग पा रहा हूँ। अरे मुझे तो लग रहा था ये कोई ऐसा वैसा सूट होगा, लेकिन गाइस इसका तो कमाल का लुक है, अब हम लोग ना इस सूट के अंदर लगता है अबरा कडाबरा भी कर सकते हैं, आई मीन के हम लोग पोर्टल भी खोल सकते हैं डॉक्टर स्टैंस का। मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, एक मिनट, ये आसमान पर मुझे क्या नजर आ रहा है। ओके, हमारी दिक्कत और परेशानी का हल निकल आया, मुझे लगता है ये कोई रैंप है, तो मुझे जल्दी से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं इस रैंप के ऊपर तो पहुंच चुका हूँ, ये किसने अनाउंस करवाई है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। सामने तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, मुझे लगता है ना कोई डेंजरस रैंप है ये, लेकिन हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस खेल चुके हैं, बहुत सारे स्टंट और बहुत सारी मेगा रैंप्स कर चुके हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो व्हाइट गोरिल्ला है, लगता है ये इसने अनाउंस करवाई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो, ये रैंप मैंने ही अनाउंस करवाई है, जो भी इस चैलेंज को पूरा करेगा उसे पूरे $1,000,000 का इनाम दिया जाएगा, पर इस चैलेंज को 5 मिनट से पहले कंप्लीट करना होगा, अगर कोई इस चैलेंज में हिस्सा लेता है और इसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे गोरिल्ला के हाथों से मरना होगा, अगर ये तुम्हें सारा कुछ मंजूर है तो तुम स्टंट चैलेंज में हिस्सा ले सकते हो, इस चैलेंज के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद $1,000,000 का इनाम तुम जीत सकते हो। अरे क्या $1,000,000 का इनाम, गाइस इस चैलेंज को पार करना मेरे दाएं हाथ का काम है, इसे बता दो। और वैसे
से भी $1 million के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से मुझे गाड़ी को चूज करना पड़ेगा। ओके व्हाइट गोरिल्ला, इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। लगता है ये वाली गाड़ी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस आप लोग भी रेडी हो ना मेरे साथ, पर आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक तो हम लोग जल्दी से इस चैलेंज को पार कर लेंगे। अरे गाड़ी तो अपनी भागना शुरू होगी, क्या ही खतरनाक रास्ता ये। अरे फिलहाल तो आराम आराम से जा रहे हैं हम लोग, लेकिन तेजी से ये क्या अपनी गाड़ी काफी तेजी से जाने शुरू हो गई। नहीं 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 नहीं, ये क्या गाइस, गाड़ी गोल गोल घूम रही है, प्लीज प्लीज नीचे नहीं गिरना। गाइस बचत होगी अपनी, मैं तो समझ रहा था कि हम लोग गए नीचे लेकिन बच चुके हैं। ओके गाइस इस साइड पर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है हम लोग ना इस खतरनाक रास्ते को क्लियर करने ही वाले हैं। देखने में ये जितना चैलेंज आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं। ओह शिट, मैं तो एक बात भूल ही रहा हूँ, इसके लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ नीचे, जल्दी से अपनी गाड़ी को पीछे घुमाना पड़ेगा। फाइनली गाड़ी को तो पीछे घुमा लिया, स्ट्रेट करके मैं अपनी गाड़ी को भगाने वाला हूँ। ओके हम लोग तो इस जगह पर पहुंच चुके हैं सेफली, अब तेजी से गाड़ी को भगाना पड़ेगा तभी हम लोग सामने पहुंच पाएंगे। ओके 1 2 3 एंड गो। फाइनली सामने की तरफ तो पहुंच ही चुके हम लोग। ओके ये वाला रास्ता तो क्लियर कर दिया, ये ब्लॉकेज लगाई गई है ताकि हम लोग ना इस पजल में ना अपनी गाड़ी को गिरा दे। ओके इस वाली रोड पर भी पहुंच चुके हैं, आगे हमें रोकने के लिए गाइस ये बड़ा सा फैन लगाया गया है। ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, हम लोग पक्के के साथ टकरे तो नीचे गिर जाएंगे। ओके 1 2 3 एंड गो, फाइनली पहुंच चुके हम लोग, बस आखिरी साइड पर आ चुका है। ये टायर रखे गए हैं गाइस, इन्हें भी क्लियर कर दिया मैंने, बस वो सामने की तरफ जाना है, उसके बाद सीधा रैंप करते हुए हम लोग फिनिश पॉइंट तक पहुंच ही जाएंगे। जल्दी से मुझे गाड़ी को पीछे घुमाकर रिवर्स करके तेजी से भगाना पड़ेगा। 1 2 3 एंड गो, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। गाइस गाड़ी को सीधा करना पड़ेगा जल्दी से, फाइनली फिनिश पॉइंट मुझे लगता है वो सामने ही है। टाइम भी काफी तेजी से जाता जा रहा है लेकिन अभी थोड़े बहुत मिनट बचे हैं, जल्दी से मुझे गाड़ी को तेजी से भगाना पड़ेगा। 1 2 3 एंड गो, नीचे नीचे नहीं गिरना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फिनिश पॉइंट पे, ये चैलेंज हमने क्लियर कर दिया। अरे इस चैलेंज को तो हमने क्लियर कर दिया, एक दफा भी हम लोग नहीं गिरे। अब ये $1 million हमारे हुए, मुझे जल्दी से इन सब पैसों को कलेक्ट करना पड़ेगा। ये ना व्हाइट गोरिल्ला मुझसे पहले ही उठा ले ये सारे पैसे, जल्दी से मैंने इन्हें कलेक्ट कर लिया है। फाइनली मेरे अकाउंट में तो पूरे $1 million आ चुके हैं, मुझे अब जल्दी से जाना पड़ेगा किसी सेफ हैंड्स के और जगह पर। और मैं काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम लोग नेक्स्ट उड़वाई करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का, जल्दी से भागना पड़ेगा। ओके मैं रोड पर तो पहुंच चुका हूँ, मुझे लगता है इस साइड पर कोई सेफ जगह होगी। ओके हम लोग पहुंच चुके हैं सेफ हैंड्स के और जगह पर, जल्दी से मैंने ओपन किया डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑनलाइन सूट स्टोर और ये रहा $1 million का सूट। ये मैंने किया क्लिक एंड बाय, ये सूट भी हमने बाय कर लिया है। गाइस आप लोग भी मेरी तरह एक्साइटेड होगे ना, इस सूट के अंदर तो मैं क्या ही खतरनाक पावर्स देख रहा हूँ। अरे नहीं नहीं यार, इतनी खतरनाक पावर्स तो बाकी सूट में भी नहीं थी, इस सूट के अंदर तो क्या ही बिजलियां दौड़ रही हैं और हम लोग फ्लाई भी कर सकते हैं इस सूट के अंदर। गाइस मजा आ गया मुझे तो, इस सूट की लुक तो क्या ही खतरनाक है यार, क्या ही गदर लग रहा है ये सूट, मुझे भाग कर देखना पड़ेगा। अरे ओके ओके रुक जा, एक मिनट ये किसकी गाड़ी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सामने से टोनी आ रहा मेरी तरफ, लेकिन टोनी को क्या काम पड़ गया मुझसे। फ्रैंकलिन मुझे पता है तुम डॉक्टर स्ट्रेंज के बाकी सूट बाय कर चुके हो और तुम्हें पैसों की काफी सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी 5 लग्जरी कार चोरी हो चुकी है, अगर तुम उन्हें ढूंढ कर निकाल देती हो तो मैं तुम्हें पूरे $100 million दूंगा। देखो टोनी स्टार खुद भी ये कर सकता है लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हम लोग एक सीक्रेट मिशन पर मसरूफ है, अगर वो मिशन हमसे डिले हो गया तो हम लोग इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। टोनी जब भी तुझे मुसीबत पड़ती है तो तुझे फ्रैंकलिन की याद आती है। ओके गाइस वैसे भी मेरे से कौन सा फ्री में काम करवा रहा है, मुझे इस काम के ये $100 million दे रहा है तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। ओके टोनी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस यूँ समझो कि तुम्हारी लग्जरी कार्स तुम्हें मिल गई। तो ओके मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मुझे अब जाना पड़ेगा। गाइस अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, मुझे लगता है ना गाइस ये जो मेरे गले में पड़ा हुआ आइस, अब गाइस ये लॉकेट मुझे बताएगा कि टोनी की लग्जरी कार्स कहाँ पर है, मुझे जल्दी से फ्लाई करना पड़ेगा। ओके भाई साइड पर पहुंच चुका हूँ और सामने मुझे लगता है यही है टोनी की लग्जरी कार्स, और ये लोग कुछ गुंडे खड़े हैं, ये इनकी सिक्योरिटी है, मुझे लगता है इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे क्यों ये रहा, इसे मैं पंच मारने की कोशिश करता हूँ, क्या ही खतरनाक पंच
मारा और ये दूसरे को भी, ये तीसरे को और ये चौथे को। मुझे लगता है ये सारे खत्म हो चुके हैं। टोनी की लग्जरी कार्स मुझे मिल चुकी है अब। डॉक्टर स्टैंच, इतनी आसानी से मैं तुम्हें ये कार्स लेकर नहीं जाने दूंगा। तुमने टोनी और मेरे बीच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। थानोस तुमसे इसका बदला लेकर रहेगा। अरे ये क्या, मैं तो समझ रहा था ये सिर्फ गुंडे ही हैं, लेकिन ये थानोस है मेरे सामने। मुझे भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी पावर्स है इस सूट के अंदर। अरे क्या ही खतरनाक तरीके से मुझे मारा ये थानोस, इसने तो मुझे आग लगा दी। अरे नहीं नहीं नहीं, ओके बहुत हुआ, अब इस थानोस को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ या फिर मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारी पावर्स है, इसका तो मैं हिसाब किताब अब चुका के रहूंगा। मैंने इसे मारना शुरू कर दिया है, अब तो इसे मैं मौका नहीं देने वाला कि ये मुझ पर वार कर सके। क्या ही वजह से मार रहा हूँ मैं इसे। अरे आज तो वजह ही आ गया इसे पीट कर। ओके ये क्या, ये तो जलकर राख हो चुका है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, थानोस ये जलकर राख हो चुका है। तो गाइस आप लोग सोच ही सकते हो डॉक्टर स्टैंच के सूट के अंदर कितनी पावर्स होंगी। अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। ये रही टोनी की कार्स। अब टोनी की लग्जरी कार्स मुझे मिल चुकी हैं, तो जल्दी से टोनी को कॉल कर लेते हैं। टोनी तुम्हारी लग्जरी कार्स मुझे मिल चुकी है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से पहुंचो। ओके टोनी भी आ चुका है मेरे सामने ही है। बहुत अच्छे डॉक्टर स्टैन, मुझे यकीन नहीं था तुम इतनी जल्दी मेरी लग्जरी कार्स ढूंढ कर निकाल लोगे। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें पूरे $100 million देता हूँ जो कि तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। गाइस मेरे अकाउंट में पूरे $100 million आ चुके हैं जो कि टोनी ने मुझे दिए हैं। मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। मुझे लगता है सामने एक जगह है, वही सेफ एंड सिक्योर है। जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और डॉक्टर स्टैन का नेक्स्ट सूट बाय करते हैं। ओके डॉक्टर स्टैन का मैंने ऑनलाइन सूट स्टोर ओपन कर लिया है। ये रहा $100 million का सूट, ये मैंने किया क्लिक एंड बाय। क्यों ही खतरनाक सूट है ये डॉक्टर स्टैंस का, ये है मैक्सिमम सूट और इसकी तो मुंडी से आग भी निकल रही है। ओके गाइस ऐसा सूट तो मैंने कभी भी नहीं देखा। और डॉक्टर स्टैंस का ये सूट बिल्कुल रेयर है मेरे ख्याल में। ये डॉक्टर स्टैंस का मैक्सिमम सूट है और रेयर भी, तभी तो डॉक्टर स्टैंस ने कभी ये बाहर नहीं निकाला, लेकिन हम लोगों ने तो इसे बाय कर लिया है। हम मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। गाइस शायद हम लोग कुछ भूल रहे हैं, सिंजन शॉप की रिपेयरिंग साइकिल वापस लेकर आनी थी और उन्हें सरप्राइज देना था, तो जल्दी से मैं चला जाता हूँ। वो लोग भी मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन ये सरप्राइज उन्हें काफी ज्यादा ना बड़ा मिलेगा क्योंकि उनकी साइकिल के साथ साथ मैं डॉक्टर स्टैन के ये सूट भी उन्हें दिखाने वाला हूँ। मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, तो जल्दी से गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठंड काफी ज्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।